जोहार झारखंड। आज हम भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास अध्याय पर चर्चा करेंगे, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं एवं एकेडमिक परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। नियोजन के दो उपदमन होते हैं, पहला सेंट्रल या खंडीय नियोजन और दूसरा प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना। प्रादेशिक विकास में नियोजन में हम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तो शामिल करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले वर्तमान में उत्तराखंड में हैं शामिल किया गया। मितिर पहाड़ी और असम के उत्तरी तछारती पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि तो मिलाकर कुल 15 जिले पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव दिए। सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था तो निवेश उन्मुखी बनाना, अंत पारदर्शित व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करते श्रमितों को लाभ पहुँचाना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योग का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य बनाए दे। दूसरा जो योजना बना वह सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसका उद्देश्य सूखा संभावी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इससे कार्यक्रम तो और विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमितों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चाराधा विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, शर्तों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम के
त्रियान्वन की समीक्षा थी, जिसमें यह पाया गया कि यह तारतम्य मुख्यतः कृषि तथा इससे संबंध क्षेत्रों के विकास तक ही सीमित है और पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापन पर इसमें विशेष बल दिया गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें पारिस्थितिकीय निम्नीकरण हो रहा है। अतः सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे और मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिले पूर्ण या आंशिक की पहचान सूखा संभावी जिलों के रूप में थी। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावी क्षेत्रों का परिसमन किया। भारत में सूखा संभावी क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। ১৯৭৪ में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ हुई और भरमौर तो हिमाचल प्रदेश में 5 में से 1 समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP का दर्जा मिला। इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य दहियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में अंतर तो कम करना है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उप योजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु होली और थनी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गाँव अवसंरचना विकास में सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। अब हम लोग सतत पोषणीय विकास के अध्याय पर प्रकाश डालेंगे। साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। विकास की संकल्पना गतित है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। विकास में लोगों के कल्याण और रहने का स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीति तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। पर्यावरण ये मुद्दों पर
विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता तो ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD की स्थापना की, जिसते प्रमुख नार्वे ते प्रधानमंत्री देरो हरलेम ब्रटलैंड थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर तमान फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 में प्रस्तुत की। WECD ने सतत पोषणीय विकास तो इस तरह परिभाषित किया कि एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति तो प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। भारत में परिवहन तथा संचार। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। इसकी कुल लंबाई 54.8 लाख किलोमीटर आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में है। यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री तथा 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। निर्माण एवं रथ रखाव के उद्देश्य सड़कों तो राष्ट्रीय महामार्ग NH, राष्ट्रीय महामार्गों, राज्य महामार्गों SH, प्रमुख जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय महामार्ग, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती है। इन शर्तों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तथा रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पतनों तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 1951 में 19,700 किलोमीटर से बढ़कर 2015-16 में 1,475 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूरे देश से कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है, किंतु ये सड़कें यातायात के 40% भार तो वहन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचालन 1995 में हुआ था। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। इस राष्ट्रीय महामार्ग का विकास और रथ रखाव का प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट शर्तों के गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4x6 लेन वाली उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात के लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य
जम्मू तश्मीर ते श्रीनगर से तमिलनाडु ते कन्याकुमारी तोची सलेम पर्वत स्तंभ सहित तो 4,016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ता है। पूर्व एवं पश्चिम दरियाए का उद्देश्य असम से सिलचर से गुजरात ते पोरबंदर तो 3,640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ता है। राज्य महामार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों तो जोड़ता है। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश का कुल सड़कों का लंबाई का 4% भाग आता है। जिला सड़कें जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का तार करती है। इनके अंतर्गत देश भर के कुल सड़कों की लंबाई का 14% भाग आता है। ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारत के कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि यह भूभाग की परिस्थिति से प्रभावित होती है। भारत का सड़क जाल 2015-16 राष्ट्रीय महामार्ग या एक्सप्रेस मार्ग 1,475 किलोमीटर में, राज्य महामार्ग 1,54,522 किलोमीटर क्षेत्र में, प्रमुख जिला क्षेत्र 25,77,396 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें 14,33,577 किलोमीटर तक फैला है। कुल सड़क मार्ग जो है 42,65,970 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO तो देश की उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शर्तों के तीव्र और समन्वित सुधार के तो माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभितरण है। इसने एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभितरण है। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ तो मनाली हिमाचल प्रदेश तले से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। यह सड़क समुद्र तल से औसतन 4,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रेल परिवहन। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन तो सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि से भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई तथा मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबे रेल लाइन निर्मित की गई। देश में भारतीय रेल सरता विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है 31 मार्च 2015 तक। इसका अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतः भारतीय रेल तो 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। रेल मंडल एवं मुख्यालय सेंट्रल तो मुंबई CST, ईस्टर्न कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर, नॉर्दर्न नई दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मालीगांव गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, सर्दर्न चेन्नई, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न हुबली, वेस्टर्न
मुंबई, चर्चगेट, वेस्ट सेंट्रल, जबलपुर। रेलवे पटरी चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं। बड़ी लाइन बोर्डोज, बोर्डोज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। ब्रॉडगेज लाइन की कुल लंबाई सन 2016 में 60,510 किलोमीटर थी। मीटर लाइन मीटर गेज, इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। इसकी लंबाई 2016 में 3,880 किलोमीटर थी। छोटी लाइन नैरो गेज, इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 में 2,297 किलोमीटर थी। यह प्राय पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। भारतीय रेल ने मीटर और नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। इसके अतिरिक्त बाष्पचालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजन तो लाया गया। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई। कोयले द्वारा चालित बाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। मेट्रो रेल ने कलकत्ता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। डीजल चालित बसों के जगह CNG चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल का प्रचालन नगरीय केंद्रों तो वायु प्रदूषण तो नियंत्रण करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जल परिवहन, यह परिवहन सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह ईंधन दक्ष तथा पारिस्थिति अनुकूल परिवहन प्रणाली है। जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं, अंतर्स्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान देता है। इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, पस जल तथा संतरी थारियाँ आती है। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारित जलपोतों द्वारा नौकायन योग्य हैं। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतर्स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया विस्तार 1620 किलोमीटर, यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया फरत्ता 560 किलोमीटर, फरत्ता से पटना 460 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया धुबरी विस्तार 891 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ 1384 किलोमीटर तक नौकायन योग्य है, जिसका भारत और बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 3 तोट्टम तोलम विस्तार 168 किलोमीटर, इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर के साथ चंपा तारा 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 23 किलोमीटर नहरें आती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ताती नाडा तथा पुदुचेरी नहर स्टेट के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 माताई नदी महानदी
चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर। महासागरीय मार्ग, भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। 12 प्रमुख तथा 185 द्रोण पतन इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनीताल 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। भारतीय वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात एवं विमानतीय संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन एयर इंडिया द्वारा किया जाता है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर पूर्व सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तेल एवं गैस पाइपलाइन, पाइपलाइनें देशों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक और सक्षम परिवहन प्रणाली है। यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी ढोल या दारा में बदलकर परिवहित किया जा सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में निर्मित किया गया था। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन असम के नहर तटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तथा निर्माण वायल ने किया था। इसे 1966 में और आधे कानपुर तक विस्तारित किया गया था। पश्चिम भारत में एक दूसरे विस्तरण द्वारा पाइपलाइन का महत्वपूर्ण नेटवर्क अंतलेश्वर तुएली, मुंबई हाई तुएली तथा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर का निर्माण किया गया। 1256 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन सलाया गुजरात से मथुरा तक बनाई गई। गुजरात से पंजाब भाया मथुरा कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है। इसके साथ वायल द्वारा नुमाली दर्द से सिल्ली दूरी तक 660 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। संचार जाल, मापदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत संचार तंत्र, पत्र आदि, दूरभाष, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि। उपयुक्त सभी व्यक्तिगत संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं अधुनातन है। नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता तो ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना के दुनिया में सीधे पहुंच बनाने में सहायक होता है। यह ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अधिकारित प्रयोग में लाया जाता है। इंटरनेट विभिन्न मदों पर विस्तृत जानकारी सहित आतरों का विशाल केंद्रीय भंडार जैसा है। इंटरनेट तथा ईमेल के माध्यम से
यह नेटवर्क अपेक्षाकृत कम लागत में सूचनाओं की अभिगम्यता प्रदान करता है। जनसंचार तंत्र रेडियो। भारत में रेडियो का प्रसारण सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। तब से इसने असीमित लोकप्रियता पाई है और लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन ला दिया है। सरकार ने इस सुअवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इसे लोकप्रिय संचार माध्यम तो अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदला दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। विशिष्ट अवसरों जैसे संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सत्रों के दौरान विशेष समाचार बुलेटिनों तो अभी प्रसारित किया जाता है। टेलीविज़न सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा है। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित थी, जहाँ इसे 1959 में प्रारंभ किया गया। 1972 के बाद तय अन्य केंद्र चालू हुए। सन 1976 में टीवी तो ऑल इंडिया रेडियो से विदलित कर दिया गया और इसे दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई। इनसेट ए राष्ट्रीय टेलीविजन DD1 तो चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय तारतम कॉमन नेशनल प्रोग्राम की शुरुआत दी गई और इन्हें देश भर के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्थापित किया गया। उपग्रह संचार की सेवा में एक विधा है और यह संचार के अन्य साधनों तो अभी नियमन करते हैं। हालांकि उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सारित दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया। उपग्रह से प्राप्त चित्रों तक मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्र के चौकसी आदि के लिए उपयोग में किया जा सकता है। भारत में उपग्रह प्रणाली तो समात्रिति तथा उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट, दूसरा इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम IRS। इनसेट जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूर संचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आतरों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। IRS उपग्रह प्रणाली मार्च 1988 में रूस के बेंतानूर से IRS-1A के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हो गई थी। भारत ने भी अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया। ये उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रल बैंड समूह तो एकत्रित करते हैं तथा विविध उपयोगी हेतु भू स्टेशनों पर संप्रेषित करते हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC आतरों के अधिग्रहण एवं प्रतरमन की सुविधा उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो ये आज का जो मेरा लेक्चर है वह यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।